एमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम पर आपराधिक कृत्य का जश्न मनाने और लोगों को अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हाजी मलंग दरगाह के मुद्दे पर ओवैसी का ये बयान सामने आया है। ओवैसी का कहना है कि ये सब कुछ बाबरी मामले पर आए फैसलों की वजह से हो रहा है। ओवैसी का कहना है कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है उन्हें मुस्लिमों के पूजा स्थलों को निशाना बनाने में कोई शर्म ही नहीं आती है। ओवैसी ने पीएम मोदी से भी सवाल किया है कि आखिर मस्जिदों का क्या होगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि अभी और भी मस्जिद बाकी है, तो पीएम बताएं कि वो कौन सी मस्जिदें बाकी हैं। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर आईन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं, एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सजा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट में बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने। अखबार जुर्म कर लेते वहां पर भाई, अगर आप डरते क्यों हैं जेल से। और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही हो, कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपकी नजर में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनार्की फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। Zini.